इंडिया में Realme की दादागिरी बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि Realme का 5 और 5 Pro और साथ में जो X है ना, ये बिल्कुल तूफानी तरीके से लोगों के जुबान में चढ़े हुए हैं। और इस तूफान को थामने के लिए आने वाला है Xiaomi की तरफ से भी एक चमकता धमकता फोन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार Xiaomi की तरफ से कौन सा फोन आने वाला है। और मेरे पास फोन करके मेरा कजन ये कह रहा है कि भाई ये बता दो Xiaomi की तरफ से कोई 15,000 के आसपास कोई नया फोन आने वाला है। मैंने कहा भाई रुक, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया कौन सा Xiaomi की तरफ से फोन आएगा। और थोड़े बड़े लीक आ चुके हैं, मैं आपको सब कुछ बिल्कुल खुल के बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो फोन होने वाला है ये होने वाला है Redmi का Note 8 Pro, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही आया था Redmi का Note 7 Pro। बड़ा तगड़ा फोन है, 14,000 रुपए में ये फोन इंडिया में बिक रहा है। और अब बारी है कुछ अलग करने की। इस फोन में आपको बहुत कुछ अलग मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको 4 कैमरे भी मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। यहां पर जो बिल्ड क्वालिटी होने वाली है वो मेरे हिसाब से Redmi के Note 7 Pro में जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है वैसे ही मिलेगी। यहां पर भी आपको ग्लास का बिल्ड मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन मिल जाएगी और साथ में फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले होगा। और मेरे हिसाब से यहां पर भी आपको नॉच देखने को मिलेगी। अब यार वही चंदन और टीका आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि Redmi को जो के सीरीज है उसको भी भैया चलाना है और जो Redmi की नोट सीरीज है उसको भी चलाना है। वहां पर आपको पॉपअप कैमरा मिलता है, मतलब के सीरीज में, और यहां पर आपको नॉच मिल जाएगी। मतलब इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, ग्लास की बिल्ड के साथ आएगा, बस यहां पर आपको थोड़ा सा अलग नॉच देखने को मिलेगी। अब मैं आपको ये बता दूं, यहां पर हो सकता है आपको एमोलेड पैनल मिल जाए। यदि फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले होता है, एमोलेड पैनल होता है, तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। और कहीं यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाए ना, तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा। यदि हम बैटरी की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से इस बार आपको 5000 एमएच की बैटरी मिल सकती है। यदि 5000 एमएच की बैटरी नहीं मिली तो भैया 4000 एमएच की बैटरी तो पक्का मिलेगी और साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा और बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा, आपका फोन फटाफट चार्ज हो जाएगा। यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहां पर आपको MIUI 11 मिल सकता है और ये बेस्ड होगा बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड सिस्टम में। बस मैं Xiaomi से यही कहना चाहूंगा कि भैया आप चाहे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाओ, प्लीज 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 यहां पर ऐड भर के मत दे देना। चलो Xiaomi ने आपको K20 Pro में कम ऐड दिए हैं। यदि आप सेटिंग में जाते हैं तो भैया आपको ऐड देखने को नहीं मिलते हैं, बस जब भी आप Xiaomi की जो एप्लीकेशन है उसको यूज करते हैं तो भैया आपको ऐड देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर आपको चमकता धमकता और बिल्कुल लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है। और यदि हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं मिलेगा, यहां पर हो सकता है आपको MediaTek का हीलियो G90T मिल जाए। मतलब ये जो प्रोसेसर है ना, ये बड़े कमाल का है। और सबसे अच्छी बात ये है, यहां पर आपकी जो पावर होगी फोन की वो भी बढ़ जाएगी और साथ में यहां पर जो गेमिंग स्पीड है वो तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और ये बहुत ही कमाल का फोन है, कमाल का प्रोसेसर है। तो मेरे हिसाब से Redmi के Note 8 Pro में आपको MediaTek का हीलियो G90T मिल सकता है और इसके नीचे वाला भी प्रोसेसर आपको Redmi के Note 8 में मिल सकता है। यदि हम यहां पर सबसे हाईलाइटिंग फीचर की बात करते हैं तो भैया वो होने वाला है 4 कैमरा। मतलब यहां पर भी आपको क्वाड कैमरा मिलेगा, जो आपको मिल जाता है अभी Realme के 5 Pro में। यहां पर आपको सबसे अच्छी बात ये होगी कि भैया 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिलने वाला है। और ये जो 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर है ना, ये है Samsung की तरफ से। साथ में यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक और लेंस मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का एक मिल जाएगा, एक 2 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा जो डेप्थ के लिए होगा। और ये फोन में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल जाएगा। मेरे हिसाब से Xiaomi के इस फोन में आपको बहुत ही अच्छा कैमरा मिलेगा और साथ में यहां पर आपकी जो सेल्फी होगी वो भी अच्छी आ जाएगी। बस मैं Xiaomi से ये कहूंगा कि भैया आप कैमरा चाहे जितना दो, लेकिन यार ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि भैया आपका कैमरा बार-बार लैग करे तो मजा नहीं आएगी। और यहां पर आपको सारे के सारे सेंसर मिल जाएंगे, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन मेरे हिसाब से यहां पर आपको नहीं मिलेगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि यार मेरे हिसाब से इस फोन का जो प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 15,000 से लेकर 17,000 के आसपास, जो इस फोन का बेस वेरिएंट होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भैया आगे आने वाले कंपटीशन में Xiaomi यहां पर क्या कुछ गेम खेलता है। वैसे अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से Redmi के Note 8 Pro का प्राइस क्या हो सकता है, यहां पर आपको क्या लगता है कि यार क्या चीजें आएंगी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में और भी तगड़ी चीजें आने वाली है।
अब आपके दिमाग में अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो यार वो भी नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आपको ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।